नमस्कार, मेरा नाम है रवि सचान और अगले 10 सालों में भारत के अंदर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या भविष्य होने वाला है और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर या आप ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं और हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या ये इंडस्ट्री बना सकती है और इसमें कस्टमर का क्या फायदा होने वाला है और भारत सरकार क्या कुछ कर रही है इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप इसको प्रॉपर सुने क्योंकि जो मैं डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं उससे आपकी गेम बदलने वाली है। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ सेल्स का सिकंदर सिस्टम एंड आई हेल्प फाइनेंस एडवाइजर इंश्योरेंस पीपल टू मेक 3 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ विदाउट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द मार्केटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर। 130 करोड़ की जनता जिसमें से 90% से ज्यादा लोग अंडर इंश्योर्ड है। भारत पूरे वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है। पिछले साल भारत वर्ष के अंदर 32 हजार करोड़ फिर बोल रहा हूं 32 हजार करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनियों ने। केवल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब उन लोगों को पैसा दिया जो लोग उनके प्रपोजल को लोगों के पास लेके गए और उनको बिजनेस दिया। अगर देसी भाषा बोले तो 32 हजार करोड़ का कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भारतवर्ष के अंदर। सवाल ये, आपने कितने पैसे कमाए? 32 हजार करोड़ बहुत होता है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े बताऊंगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट पहला पॉइंट कि भारत के अंदर 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या भविष्य होने वाला है। पिछले साल 2 साल कोविड रहा, कोरोना रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रियां कंपनियां अप्स एंड डाउन हुई। भारत के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बूम किया, 15 से 17% का एनुअल कंपाउंड ग्रोथ आया और 6 लाख करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा हुआ पिछले साल। थिंक अबाउट इट। और अगले 10 साल में ये ग्रोथ 10 गुना होने वाली है। क्यों होगी बता रहा हूं, क्यों होगी, क्या रीजन हो सकता है कि ये 6 लाख करोड़ का जो प्रीमियम आया है अगले 10 साल में ये कैसे 10 गुना हो जाएगा? उसे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, भारत के अंदर मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर, भारत के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो तकरीबन 70% है यंग पॉपुलेशन। तीसरा फैक्टर, भारत के अंदर न्यूक्लियर कल्चर यानी अलग अलग लोग रहना पसंद कर रहे हैं तो वहां पर लोग यूज करते हैं। चौथा रीजन, भारत के अंदर लोगों की इनकम बढ़ रही है which is called disposable income। जब इनकम होगी, पैसा होगा तो लोग उसको सेविंग तो करेंगे ही करेंगे। पांचवा कारण, भारत के अंदर जब से कोविड आया तो लोगों के अंदर इंश्योरेंस को लेके एक अजीब अवेयरनेस आ चुकी है। पहले लोग सोचते इंश्योरेंस मैंने, अब क्या है लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस डबल हो चुकी है। नाउ पीपल लिसन अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, तो एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अगला कारण, इंश्योरेंस कंपनियां जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये जिस तरीके से नए नए प्लान नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कस्टमर फ्रेंडली और जिस तरह का टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री बूम करने वाले। बहुत सारे आंकड़े हैं, तकरीबन 1 हफ्ता मैंने लगाया ये सारी चीजें पढ़ने में। मैं आपको एक निचोड़ दे रहा हूं कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री से अगले 10 साल में आप कितना पैसा बना सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि पिछले साल 32 हजार करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने, जिसमें कि 21 हजार करोड़ रुपए एलआईसी ने बांटा है, बाकी जो बचा 11 हजार करोड़ वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब 32 हजार करोड़ रुपए होता कितना है? अगर इसका 1% निकालेंगे तो 320 करोड़ होगा। इसका अगर 100वां हिस्सा निकालेंगे यानी 1% का 100वां हिस्सा तो आता है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। 3 करोड़ 20 लाख रुपए की सालाना इनकम। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं इस इंडस्ट्री में जो इतने पैसे बनाते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आपको 30 लाख ही मिल जाए तो कितना कम है क्या? महीने का 2.5 लाख रुपए, नॉट लेस, करेक्ट? सो अब बात करते हैं कि जो ये जो 32 हजार करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ पिछले साल, अगले 10 सालों में ये डबल 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो 10 गुना पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस इंडस्ट्री के द्वारा कंपनियों के द्वारा, उसका भागीदार कौन बनेगा? क्या वो पैसे का भागीदार मैं बन सकता हूं या नहीं? अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा है या बनने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा मनन कीजिएगा कि एक्चुअली में जो ये रवि जी बता रहे हैं इसमें कितनी गहराई है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं कि अपने दिमाग का ढक्कन जरा खोलिए। भारत में 58 इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है,
एक री इंश्योरेंस कंपनी है, बाकी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये री इंश्योरेंस कंपनी क्या है, जिसका नाम जीआईसी, जो इंश्योरेंस के ऊपर होता है इंश्योरेंस को बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसी कंपनी एलआईसी जो कि स्टेट ओन्ड है, और बाकी सारी 23 इंश्योरेंस कंपनी वो है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये मोटा मोटा देसी आप बड़े समझिए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। एलआईसी की जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनका पैन इंडिया प्रेजेंस और उनके कुछ कस्टमर फ्रेंडली प्लान, जैसे जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य एंड जीवन लाभ। तीन ऐसे प्लान है और ऑफ कोर्स जीवन साथ जो सिंगल प्रीमियम प्लान है। इन चार प्लान के बदौलत एलआईसी का प्रीमियम हर साल ग्रो कर रहा है और 70% की मार्केट आज एलआईसी के पास में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एलआईसी के पास 70% मार्केट है तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले ये झुंझुना बजा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो ग्रोथ आ रही है, अब देखिए ना 11,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पटा है, कोई छोटा मोटा मामला होता भाई तभी, राइट। सो अब बात करते हैं जो 30% की हिस्सेदारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास में, ये लोग क्या चेंज कर रहे हैं और आप कौन सी कंपनी को चुन सकते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, राइट। अब प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें मैंने चार कंपनी उठाई है। पहली कंपनी एचडीएफसी लाइफ, दूसरी ऐसे पोटेंशियल, तीसरा बजाज के और चौथा टाटा है। दैट्स इट, बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको मेजर चार कंपनी के बता रहा हूं। अब इन चारों कंपनी के पास में ऐसे प्लान आ चुके हैं जो कि एलआईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इंश्योरेंस की परसेप्शन है वो चेंज हो गई है। पहले क्या था, लोग बोलते थे इंश्योरेंस मतलब लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अब वो लॉन्ग टर्म से हटके शॉर्ट टर्म में आ चुके हैं। पहले क्या था, इंश्योरेंस में रिटर्न कम आते थे, अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनियां अपने कस्टमर को रिटर्न देने के लिए नए नए प्लान लेके आ रही है। और अभी भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ कर दिया है कि वो 10% पैसा रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में, जो रीट का जो फंड है उसमें 10% पैसा लगा सकती है, उससे इंश्योरेंस कंपनी के जो रिटर्न्स है वो बढ़ रहे हैं, राइट। अभी भारत सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए जीआईसी को दिया है ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मजबूत की। इसे बता दूं कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत होपफुल है इस इंडस्ट्री को बूस्ट कराने के लिए। तो अब क्या है, हर इंश्योरेंस कंपनी ने, खासकर जो मैंने आपको चार बताए प्राइवेट, इन लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसने 5 साल कस्टमर पे करता है और 6वें साल से 7वें साल से वो उसको हर साल इनकम इनकम देना स्टार्ट कर देते हैं और उसका लाइफ कवर चलता है जब तक कस्टमर उस पॉलिसी के बेनिफिट इंजॉय करता है। पहले ऐसे प्लान होते नहीं थे, राइट। कस्टमर को लॉन्ग टर्म पे करना पड़ता, अब क्या है, शॉर्ट टर्म आ चुके हैं और ये सारे के सारे जो प्लान है, इन प्लान की वजह से बहुत जबरदस्त प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। वो तो भाई आपको फायदा क्या हो सकता है, अगर आप एक एडवाइजर हैं या सोच रहे हैं, आप इन प्लान को समझ के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर का फायदा नंबर वन, नंबर दूसरा फायदा आपका और नंबर तीसरा फायदा कंपनी का। अगर इस फिलॉसफी में काम होगा, पहले कस्टमर फिर आप फिर कंपनी, तो कभी मात नहीं खाओगे। और जहां देखा मैं कस्टमर को लगा दूं चूना तो आपकी जेब में लग जाए कत्था और पान खाएगा कंपनी वाला। कस्टमर को चूना मत लगाओ, धैर्य से लॉन्ग टर्म माइंड के साथ में कस्टमर को वो प्लान समझाओ जो उसके फायदे की बात हो। अब मैंने बताया कि आपको ये इंडस्ट्री का ओवरऑल सिनेरियो है, मैं इसमें एलआईसी की आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। अब बात आती है कि आप कैसे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप इस इंडस्ट्री में नौकरी कर सकते हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने के लिए किसी भी कंपनी का एजेंसी यानी एजेंसी एजेंट लाइसेंस ले सकते हैं, जिसके लिए एक आईआरडी के छोटा सा एग्जाम पास करना पड़ता है। वो पास करके आप अपने हिसाब से कंपनी चुन सकते हैं कि आपको किस कंपनी को ज्वाइन करना है। अब आप मुझे, मुझे पता आप क्या पूछोगे, रवि जी एलआईसी ज्वाइन करूं या प्राइवेट ज्वाइन करूं या फलाने या ठिकाने, इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी दे सकता हूं, हालांकि मुझे मालूम है लेकिन मैं आपको नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना आरएनडी करो। आप जाके देखो कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, दूसरा कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है और कंपनी कस्टमर को कितना केयर करती है, इन सारे आंकड़ों के हिसाब से आपको कोई भी कंपनी का निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा, किस टीम को ज्वाइन करते हो, लीडर कौन है आपका, ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप किसको ज्वाइन करते हो। तो मैंने आपको जो बातें बताई, नंबर वन भविष्य 10 साल में कितना पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया है या ज्वाइन करना चाहते हैं और हर महीने 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में खर्च किए, बगैर अपना ऑफिस सेटअप किए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या कई सालों से इस इंडस्ट्री में है लेकिन अभी तक आप उधार नहीं हो पाए क्योंकि आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाए, कुछ वजह हो सकती है, तो मेरे साथ एक मास्टरी क्लास में आइए, मैं दिखाऊंगा कैसे आप पैसा बना सकते हैं फ्री में बगैर पैसा मार्केटिंग में। लेकिन काम करना पड़ेगा,
और आप देखेंगे कि आप भी जो ग्रोथ होने वाली है, जो 10 गुना इंडस्ट्री होने वाली है, जो 3 लाख करोड़ बटने वाले हैं, उसमें आपके घर में कितने आएंगे वो आप डिसाइड करेंगे। पिछले साल 20,000 MDRT हुए हैं, अगले 10 सालों में ये 2 लाख MDRT होंगे, और कम से कम अगले 10 सालों में नहीं कुछ तो 10 से 15 हजार MDRT तो मैं खुद क्रिएट करूंगा, राइट। तो आप मेरे साथ बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किताब चाहिए तो उसके लिए लिंक में क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए मुझे सेल्स मास्टर क्लास। बताऊंगा आपको कि ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं, कई सारे रिसोर्स IRDA की साइट से, स्टेटिस्टिकल की साइट से, इकोनॉमिक टाइम्स के उससे, और बहुत सारे जो न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं उन सबसे मैंने डेटा लिया और मैंने आपको प्रस्तुत किया। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। मिलते हैं लाइव मास्टर क्लास में, अगर आप इस इंडस्ट्री में वाकई अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।